तो मैं उनसे खेल के बारे में कुछ पूछ कर करूंगी, आज इस खेल को देख रहे हैं और क्या महसूस कर रहे हैं, अगर इसके बारे में हम लोग कुछ बताएंगे तो बहुत अच्छा महसूस करेंगे हम लोग। मेरा नाम हरिशंकर झा है जी। मैं चकलिया ग्राम पंचायत का प्रधान रह चुका हूँ 1983-88। अच्छा। और मैं प्राइमरी स्कूल टीचर भी था। अच्छा। 2008 में मैं रिटायर किया और करीबन 83 से हम बाटे के साथ जुड़े हुए हैं। 1983 से फॉरवर्ड ब्लॉक से जुड़े हुए हैं। टीचर जब रहे तो तब रिटायर? नहीं, यहाँ उस समय लेफ्ट फ्रंट की गवर्नमेंट थी। अच्छा। और वहाँ टीचरों को राजनीति के लिए अलाउड था। अब अलाउड है? अभी भी अलाउड। मतलब आप सरकारी शिक्षक रहते हुए राजनीति कर सकते हैं। तो इस मैच का ये टूर्नामेंट कब से हो रहा है ये और क्यों? ये 1995 से हो रहा है, यानी कि 1994 में हमारे यहाँ के भूतपूर्व विधायक मरहूम मोहम्मद रमजान अली वो डेथ किए 1994 और उसके बाद से 1995 से ये कंटिन्यू अब तक मतलब उनके यादगार गैर के रूप में चलाया जा रहा है। तो आज लगभग ये 26वां मैच है ना? हाँ, तो अगर हम 26वां साल है इस मैच का। हाँ। तो अगर हम राजनीतिक इम्पोर्टेंस बात करें इस मैच का, आपकी पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक इस मैच के जरिए इस इलाके में कैसे दबदबा बना रखी है, क्या कुछ कनेक्शन है? हाँ, हमारे जो पार्टी के कर्मसूची हैं जी, पार्टी का जो मैंने स्पेशल जो करिकुलम है उसके साथ साथ हम लोग चाहते हैं कि ये क्रिकेट टूर्नामेंट के जरिए हम लोग जितना दूर तक संभव हो सके पिछड़े वर्ग के लोग और युवाओं को मतलब पार्टी के साथ में, राजनीति के साथ में, और उन लोगों के फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए हम लोग मतलब उन लोगों को इसमें जोड़ना चाहते हैं। तो इसके लिए पार्टी या पार्टी के लीडर्स कुछ फंड करते हैं इस मैच के लिए? पार्टी के लीडर तो कम, लेकिन हम लोग अपने तौर पर वहाँ जो हम लोगों का जो लोकल कमेटी है, डिस्ट्रिक्ट कमेटी है, हम लोग डिफरेंट जगह से कुछ डोनेशन कलेक्शन करते हैं और जो बाकी बचता है उसको मतलब विधायक जी भी हम लोगों का साथ दे के वो कलेक्शन को मैंने बढ़ा के इसका जो लगता है खर्चा उसका व्यवस्था करते हैं। तो इस मैच के वजह से, क्योंकि आप पार्टी से जुड़े हैं और ग्राउंड से हैं, तो इस मैच के वजह से आपको क्या लगता है कितना फ़ायदा हो रहा है? फायदा हम लोग को हो रहा है, फायदा इसका बहुत फायदा हो रहा है। कहा कि हम लोग पहला बार जब विक्टर बाबू जीते थे उस समय वो 20,000 से जीते थे, 20,509 हो गया है पहला। हाँ, उसके बाद वाला साल जो हम लोग जीते 27,500 से जीते, तो ऑटोमेटिक हम लोग मतलब देख रहे हैं कि हम लोगों को इससे फायदा हो रहा है। और फॉरवर्ड ब्लॉक से क्योंकि इनके परिवार के लोग ही पहले रमजान अली, फिर उनके बाद रमजान अली के भाई, अब विक्टर जी विधायक हैं, तो इनके परिवार ने कभी फॉरवर्ड ब्लॉक से चुनाव हारा है यहाँ से? एक बार सिर्फ हफीज साहब हारे थे। अच्छा। जब वो साहब के भाई उनके, हाँ उनके भाई के बाद, हाँ, एक बार हारे, मतलब एक बार, उसके अलावा कभी ये लोग चुनाव और कभी नहीं हारे। तो अभी प्रेजेंट विधायक हैं विक्टर जी, वो कभी चुनाव हारे नहीं? वो अब तक एक बार नहीं, नहीं। तो इस मैच के वजह से एक युवाओं में पकड़ भी बन रही है? नहीं, एकदम निश्चित रूप से बन रही है। अच्छा। इसमें कोई शक नहीं? कोई शक नहीं। तो आप भी इस मैच के उसमें रेगुलर आते हैं, कब से आ रहे हैं लगभग? तो करीब विक्टर के साथ से ही है पार्टी में, उससे पहले मेरे पिताजी था रमजान के अमल में। तो खेल की तरह से हम लोग तो अच्छा लगता है, पब्लिक को भी अच्छा लगता है, जितना नौजवान है सबको भी अच्छा लगता है। क्या परिचय आपका, क्या नाम है और पार्टी में? मेरा नाम है अब्दुल रशीद उर्फ मैं कालू, घर मेरी यही त्रियाल ग्राम पंचायत। आप पार्टी के किसी पद पर या पंचायत? पद पे नहीं है, लेकिन कार्यकर्ता है, करते हैं, जैसा ही होता है वैसा ही करते हैं। विक्टर साहब जब भी बुलाते हैं जाते हैं, मीटिंग वीटिंग में करते हैं। अच्छा, इस तरह का मैच क्या आसपास और कोई नेता भी कराता है? ना ना, चकलिया में कोई नहीं करता। और इतना बड़ा या इतना पुराना कोई नहीं, टूर्नामेंट है जो इतने साल से टूर्नामेंट है। तो कहाँ कहाँ से टीम आती होंगी, कितनी टीम इसमें खेलती है? इसमें 32 टीम है। अच्छा। ग्वालपोखर का है, करंदी का है, अब बिहार का भी है, बिहार की भी टीम है। तो यहाँ जो देखने वाले लोग हैं बाहर से भी आते हैं, लोकल भी है, बाहर से भी आते हैं।